हरा चना मतलब हरा छोलिया। ये सर्दियों के मौसम में आते हैं और ये बहुत हेल्दी और टेस्टी होते हैं। हरे चने को तो आप कच्चा भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे, वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत हेल्दी भी होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मल्लिका खुराना हेल्दी रेसिपीज होम में आपका स्वागत करती हूँ। ये मैंने 250 ग्राम हरा छोलिया लिया है और मसाले के लिए 3 टमाटर, 2 अनियन और थोड़े से गार्लिक और जिंजर लिया है। इन सबको रफली चॉप कर लेंगे। हम तो तड़का ब्लेंडर में बना रहे हैं, आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं या फिर हाथ से भी छोटा छोटा चॉप कर सकते हैं। एक कुकर लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे और साथ में 2 इलायची को थोड़ा तोड़ के डालना है, 2 लौंग, 1 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स। यदि आपके पास कोरिएंडर पाउडर है तो वो आप बाद में डाल लें। सूखे मसाले रोस्ट हो गए हैं तो इसमें हम जिंजर गार्लिक डाल देते हैं। जिंजर गार्लिक पहले डालने से गार्लिक का फ्लेवर एनहांस नहीं होता। यदि आपको गार्लिक का फ्लेवर बहुत पसंद है तो आप अनियन के साथ भी डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक रोस्ट हो गया है तो इसमें हम अनियन डाल देंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करने से मसाला अच्छे से रोस्ट होता है। लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। हमने टमाटर के साथ 2 हरी मिर्च भी ले ली हैं, इसे भी पीस लेंगे। अनियन अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो इसमें हम टमाटर डालेंगे। अब हम फ्लेम फुल कर देंगे क्योंकि टमाटर में पानी होता है जिसे सूखने में टाइम लगता है। अब हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, ये थोड़ी तीखी होती है तो इसे इसलिए मैंने कम डाला है, और साथ में हमने हरी मिर्च भी डाली है। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। 1 टीस्पून में कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है लेकिन ये तीखी बिल्कुल नहीं होती है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसे हम फुल फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। मैं तो मैक्सिमम वेजेस में ऑयल कम डालती हूँ, यदि आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। मसाले को हमने अच्छे से रोस्ट कर दिया है। अब इसमें हम छोलिया डालेंगे और साथ में हमने 3 छोटे आलू को कट कर लिया है, वो भी डाल देंगे। हम तो छोलिए के साथ आलू भी डाल रहे हैं, आप चाहें तो खाली छोलिया भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। अब इसे हम मसाले के साथ 3 से 4 मिनट रोस्ट करेंगे। इस टाइम पे रोस्ट करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लगातार चलाते हुए इसे हमने रोस्ट कर लिया है तो अब इसमें हम 1 गिलास भर के पानी डालेंगे। आपको यदि सब्जी में पानी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और यदि कम चाहिए तो कम डाल लें, और यदि आप सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं तो इसमें 1/2 गिलास पानी डालें। कुकर की लीड लगा देंगे और 7 से 8 विसल आने देंगे और फ्लेम फुल रखनी है। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है तो इसे हम ओपन करते हैं। ये ध्यान रखना है कि हमने तुरंत ओपन नहीं करना है, प्रेशर रिलीज होने का इंतजार करना है। इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट बनी है। एक चने का दाना लेंगे और इसे दबा के देखेंगे, ये सॉफ्ट हो गया है तो इट मीन्स सब्जी हमारी रेडी है। चने को ज्यादा टाइम लगता है सॉफ्ट होने में एज कम्पेयर टू आलू। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करेंगे। छोलिए की सब्जी राइस के साथ, चपाती के साथ, परांठा, नान सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। इवन इसे आप टिफिन में भी लेके जा सकते हैं। मैंने ये ब्रेकफास्ट पे बनाई है और इसे टिफिन में डाल के भी दे रही हूँ। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप भी ये छोलिए की सब्जी बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।